हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनक्रेडिबल स्टडी विद आरपी। एंड आज आपको मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, बहुत लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी भी है। जी हाँ, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि आप 50 की उम्र तक नौकरी मिल सकती है, यानी टीचर अब आप 50 की उम्र तक भी बन सकते हैं। लेकिन ये किसके लिए है ये भी आपको बता दूं, ये विशिष्ट बीटीसी करने वालों को 50 की उम्र तक मिलेगी नौकरी। ठीक है, तो ये विशिष्ट बीटीसी वालों के लिए रात घड़ी खबर है कि अब अगर किसी ने विशिष्ट बीटीसी कर रखा है तो उनको 50 की उम्र तक नौकरी मिलेगी। तो ये हाई कोर्ट का फैसला है और पूरी जानकारी आपको दे देता हूँ। हाई कोर्ट का फैसला 2004, 2006, 2008 के अभ्यर्थियों को ही मिलेगा लाभ। ऐसा नहीं है कि आप अगर विशिष्ट बीटीसी करके दोबारा से आप 50 की उम्र तक टीचर बन जाओ, तो ऐसा नहीं है। ये केवल आपको 2004 ईयर और 6 और 2008 के जो कैंडिडेट्स हैं उन्हीं को बेनिफिट इससे मिलने वाला है। ठीक है, चलिए आगे जान लेते हैं पूरा मामला क्या है। हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विशिष्ट बीटीसी अभ्यर्थियों को 40 वर्ष की आयु के बाद नियुक्ति नहीं देने का बेसिक शिक्षा विभाग का आदेश रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि 1981 के रूल 6 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, वर्ष 2004, 2006, 2008 के अभ्यर्थियों को 50 वर्ष की आयु तक नियुक्ति दी जा सकती है। महिमा श्रीवास्तव और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने दिया। कोर्ट ने याचिकाओं को 3 सप्ताह में नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग की इस दलील को भी मानने से इनकार कर दिया कि याचिकाओं को पूर्व की भर्तियों में मौका दिया जा चुका है। कोर्ट ने कहा कि नियमावली में ऐसा कोई रोक नहीं है कि एक या दो बार ही अवसर दिया जाए। याची के अधिवक्ता सीमान सिंह के मुताबिक याचिकाओं ने 68,500 सहायक अध्यापक के लिए आवेदन किया था। ध्यान दीजिएगा, 68,500 के सहायक अध्यापक के लिए आवेदन किया था। अध्यापक पात्रता परीक्षा में वे सफल हुए। उनकी काउंसलिंग प्रयागराज और चंदौली में कराई गई। इसके बाद नियुक्ति पत्र देने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि उनकी 40 वर्ष से अधिक की एज है। अधिवक्ता का कहना था कि सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने 31 अगस्त 2018 को सर्कुलर जारी किया था विशिष्ट बीटीसी 2004, 2007, 2008 के अभ्यर्थियों को 50 वर्ष की आयु तक नियुक्ति दी जाए। ठीक है, तो और इस तरह से आप ये खबर जान चुके होंगे कि अब 68,500 में जिन कैंडिडेट्स ने जिन्होंने विशिष्ट बीटीसी कर रखा था 68,500 में आवेदन किया था और उनको इस ये कहते हुए नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया था कि उनकी एज जो है 40 वर्ष के ऊपर है, तो अब उनको नियुक्ति पत्र देने का आदेश जारी कर दिया गया है। ठीक है, आगे है बेसिक शिक्षा निदेशक पर 5 लाख का जुर्माना। बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को नियमित वेतनमान न देकर 17 वर्षों से परेशान रखने के मामले में हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा निदेशक प्रयागराज पर 5 लाख रुपये का हर्जाना लगाया है। कोर्ट ने निदेशक बेसिक शिक्षा को आदेश दिया कि 2 सप्ताह के भीतर 5 लाख रुपए का याची को भुगतान करे। कोर्ट ने इस मामले में प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा तथा निदेशक बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश प्रयागराज से 1 सप्ताह में हलफनामा मांगा है। याचिका की सुनवाई 3 दिसंबर को होगी। अवध रानी की अमन्ना याचिका पर सुनवाई करे। देखिए, ये न्यूज आपके लिए उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस यही है कि बेसिक शिक्षा निदेशक पर 1/4 क्लास के एक एम्प्लॉई को वेतन 17 वर्षों से वेतन के मामले में नियमित वेतन ना देकर उसको परेशान किया जा रहा था, जिस वजह से कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है कि बेसिक शिक्षा निदेशक को 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट खबर थी, ये खबर थी कि जो भी विशिष्ट बीटीसी कैंडिडेट है उनके लिए सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट रात वाली खबर है कि 50 वर्ष की उम्र तक भी अब उनको नौकरी मिल जाएगी और ये दो नियम जो है 2004, 2006 और 2008 के अभ्यर्थियों को इसका फ़ायदा मिलेगा। तो ये भी थी पूरी जानकारी। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। चैनल ना सब्सक्राइब किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।